व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर होता क्या है? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेरीमीटर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो या होता क्या है। तो देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर। पेरीमीटर जो होता है आपका, एक डिस्टेंस होता है किसी भी क्लोज फिगर यानी बंद फिगर जो होता है। द वर्ड पेरीमीटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड पेरी विच मीन्स अराउंड इन मीटर मीनिंग इज मेजर। पेरीमीटर का मतलब है कोई भी क्लोज फिगर जो चारों तरफ से आपका क्या होता है, बंद होता है, उसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि देखो आपके सामने क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है देखो इसके कितने साइड हैं, चार साइड हैं, ए ए ए ए। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड्स क्या है, इक्वल होते हैं। अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो सभी साइड्स को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है हमारा 4 × साइड। अब नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आपको नजर आ रहा होगा कि जो है दोनों साइड्स जो होते हैं अपोजिट होते हैं। जैसे लेंथ देखो दोनों अपोजिट इक्वल हैं और ब्रेथ दोनों अपोजिट इक्वल है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा, देखो या तो लिखो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी तरीके से आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितनी भी साइड है ट्रायंगल की सभी साइड्स को प्लस कर लोगे तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो अभी मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। तो आप सिंपल क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे साइड को, यानी 4 × 7 = 28 सेंटीमीटर। तो आपका ये पहले का आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपके पास साइड 11 दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि क्या करोगे, 4 × 11 = 44 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले का आपका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में अभी मैंने बताया था क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो आपका जो फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L + B। अभी क्या था हमने, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आपका हो जाएगा लेंथ कितना है अगर देखोगे 14 है, और ब्रेथ कितना है आपका 9 है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पे क्या है, 14 + 9 = 23। 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो, इसमें क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सेम वापिस 2 L + B। तो देखो लेंथ कितना हो गया आपका 12, ब्रेथ कितना हो गया आपका है 16.5। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू है आपका 28.5। 28.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 5 = 10, 10 का 0, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 2 × 2 = 4 और 1 = 5। तो ये आपका आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस वाले रेक्टेंगल का आपका आंसर आया था 46 सेंटीमीटर, इस वाले रेक्टेंगल का आंसर आ गया आपका 56 सेंटीमीटर। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दे रखा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है स्क्वायर का, आप देखो इस पर आपको स्क्वायर दे रखा है और हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 64, तो देखो कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है फॉर्मूला हमारा 4 × साइड। तो साइड निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया आपका पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो पेरीमीटर को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा साइड आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया 64 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 के टेबल में 64 आता है 16 बार में। आप इसको इस तरीके से डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। देखो 4 × 1 = 4 आपका आ गया 2 × 4 और 4 × 6 = 24। तो इस तरीके से आपका हो गया 16 सेंटीमीटर।
दूसरा आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू टाइम्स द ब्रेथ, यानी लेंथ जो है वो ब्रेथ का दोगुना है, इफ द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज 72 सेंटीमीटर, पेरीमीटर जो है वो 72 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो आपका लेंथ रेक्टेंगुलर फील्ड है टू टाइम्स इट्स ब्रेथ, इफ द ब्रेथ ऑफ फील्ड इज 72 मीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेट द ब्रेथ बी एक्स, तो हमने क्या मान लिया कि हमारा ब्रेथ जो है वो एक्स है, लेंथ है हमारा 2x, यानी दोगुना था इसलिए 2x हो गया और ब्रेथ हमारा एक्स था, तो लेंथ 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 72 मीटर, जो ब्रेथ है आपका 72 मीटर है, सो नाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इक्वल में पेरीमीटर हमें 72 दे रखा है, सो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इक्वल टू 72 अपॉन में 2, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 36 मीटर, आप यहां मीटर भी लगा सकते हो या बाद में लगा सकते हो। अब देखो लेंथ हमारा क्या है x, ब्रेथ क्या है हमारा 2x, तो मैंने लेंथ की जगह x रख दिया, ब्रेथ की जगह 2x रख दिया, इक्वल टू में 36 था इसलिए 36, x प्लस x क्या हो गया हमारा 3x, यानी इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3x, 3x इक्वल टू 36, तो 3x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 अपॉन में 3, 3 से 36 को डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 12 मीटर, इस तरीके से आपका जो है 12 मीटर आ गया आंसर x का। अब हमने यानी कि x इसको माना था ब्रेथ को, सो ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और लेंथ इक्वल टू 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 12, तो 2 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 24 सेंटीमीटर आ गया, इस तरीके से आपका ब्रेथ हो गया 12 सेंटीमीटर और लेंथ हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ट्राइंगल इज 64 सेंटीमीटर, टू ऑफ इट्स साइड्स मेजर 15 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास दो साइड्स ट्राइंगल के दे रखे हैं और पेरीमीटर दे रखा है, हमें तीसरी साइड्स निकालनी है, तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 64 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है सबसे पहले हमें लिखना चाहिए, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 64 सेंटीमीटर, दो साइड्स हमें दे रखे हैं, टू साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, तो एंड थर्ड साइड को हमने क्या कर लिया कि मान लिया कि लेट थर्ड साइड बी एक्स, यानी हमने थर्ड साइड को क्या मान लिया एक्स, तो क्या होता है ये देखो, ये हमारा जो है ये गलत हो है, ये क्वेश्चन जो आप लिखा हुआ फॉर्मूला ये गलत है, तो आपको ये नहीं लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सिर्फ सम ऑफ ऑल साइड्स, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये गलत है, आपको सिर्फ सम ऑफ ऑल साइड्स लिखना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो आपका ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, तो सिर्फ क्या लिखना है आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड एक्स, एक्स प्लस 15 प्लस 26 इक्वल टू 64, फिर एक्स इक्वल टू 15 प्लस 64 आपको दोनों को अगर ऐड करते हो तो आपका 41 हो जाता है, तो 64 में से 41 को आप माइनस कर दोगे तो x इक्वल टू 23 आ गया, इस तरीके से आपका ट्रायंगल के तीसरी साइड जो है वो 23 सेंटीमीटर आ गया है। तो देखो आप इसी तरीके से किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हो, अगर आपके पास दो साइड दिया हो और पेरीमीटर दिया हो तो सबसे पहले दोनों साइड को जोड़ना है और फिर आपको क्या करना है, पेरीमीटर में से माइनस कर दोगे तो आपका थर्ड साइड निकल जाएगा। अब इससे रिलेटेड और भी हम दो तीन क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:3, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी हमारे पास इस बार रेशियो में दे रखा है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एडजेसेंट एंगल जो है उनको या साइड्स जो है उसको हम रेशियो में ले लेते हैं, लेट द एडजेसेंट साइड बी 5x एंड 3x, यानी कि 5x ले लिया और 3x ले लिया, देखो 5x और 3x, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर, यानी कि हमें इस बार रेशियो दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है, तो अब क्या करना है, हमें रेशियो को लेंथ हो जाएगा 5x और ब्रेथ हो जाएगा हमारा 3x, और फॉर्मूले में पुट कर देते नाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80, तो लेंथ हमारा जो था वो 5x था, ब्रेथ जो था हमारा 3x था इक्वल टू 80, तो लेंथ की जगह 5x और ब्रेथ की जगह 3x, दोनों अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 5x प्लस 3x होता है हमारा 8x, इस वाले 2 को हम इस तरफ लेके गए डिवाइड में आ गया,
तो 2 को 80 से डिवाइड कर दिया, 80 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 14 मीटर आ गया। अब देखो 8x इक्वल टू 40 आ गया। नाउ 8x इक्वल टू 40, सो x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8, 8 से हमने 40 को डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 5। नाउ x हमारा 5 आ गया। अब हमारे पास रेशियो है, रेशियो हमारे पास क्या दे रखा था, 3x और 5x, यानी x हमारे पास 5 आया था, तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15 मीटर और 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब नाउ अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम इज 2.5 मीटर लॉन्ग देन इट्स एडजेसेंट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 51 मीटर। इस बार हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर लॉन्ग एंड एडजेसेंट साइड्स दे रखा है, इतना ज्यादा है, और पैरेमीटर दे दिया हमारे पास 51। तो सबसे पहले देखो पैरेमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 51 मीटर, लेट द एडजेसेंट साइड बी एक्स, तो दूसरी जो एडजेसेंट साइड है वो एक्स प्लस 2.5 हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा है, मोर दे रखा था, यानी दूसरी जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा है। तो पैरेललोग्राम में चार साइड्स होती हैं, मालूम होगा अगर आपको, तो पैरेललोग्राम में चार साइड्स होती हैं, तो दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया, पैरेमीटर ऑफ पैरेललोग्राम को हम लिख सकते हैं पैरेमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरेमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो एल जो हमारा था एक्स प्लस 2.5, एक्स प्लस 2.5 हो गया, ब्रेथ हमारा एक्स हो गया, इक्वल टू 25। अब 2 से 51 को डिवाइड कर देंगे तो 25.5 आ गया। 2 से क्या गया, 51 को डिवाइड किया तो 25.5 हो गया। नाउ 2x प्लस 2.5, 2x कैसे हुआ, x प्लस x आपका 2x हो गया, प्लस 2.5 हो गया, इक्वल टू 25.5। अब 2.5 दूसरी तरफ गया, माइनस हो गया, तो 2x इक्वल टू 23, इन दोनों को माइनस करने पे हमारा 23 आया है। अब इससे आगे क्या करना है, 23 को 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो आपका कंटिन्यू क्वेश्चन हो जाएगा। तब देखो हमारा 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो x इक्वल टू आ गया हमारा 23 अपॉन में 2, तो 11.5, यानी हमारी पहली जो है साइड 11.5 आ गया। तो हमारे पैरेललोग्राम में चार साइड होते हैं, तो अगर पहली 11.5 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 14 कैसे हुई, देखो 11.5 प्लस 2.5 मोर है, 2.5 मोर का मतलब है 11.5 में 2.5 को अगर आप जोड़ देते हो तो आपका देखो 2.5 प्लस 5 0, 2 प्लस 1 3 और 1 4, ये हो गया आपका 40, यानी एक साइड हो गया आपका 11.5, दूसरी हो गया 14, फिर 11.5, फिर हो गया आपका 14। अब नाउ दी इस एक्सरसाइज में हमारे एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसके बाद हमारा पेरीमीटर जो टॉपिक है एकदम खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे एरिया। तो जैसे देखो आपका है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर सिक्स साइडेड पॉलीगन ईच साइड मेजरिंग 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना रेगुलर और इरेगुलर साइड्स में क्या डिफरेंस है, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल भी बराबर होते हैं। तो हमारे पास सिक्स साइड दे रखा है, इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ सिक्स साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 6 इनटू साइड, तो 6 मल्टीप्लाई 6.5, तो 6 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30 0 हो जाएगा, 6 6 36 और 3 इक्वल टू हो गया 39 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका पेरीमीटर पूरा हो गया। तो आप पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है, आपको जितनी भी साइड दे रखा है आप, तो आप उसको प्लस कर लोगे इजीली आ जाएगा, या फिर आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। रेगुलर पॉलीगन में तो आपको जितनी साइड है उतने से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।